छोटाउदेपुर खरी तो व्यापारी मंडल नो महत्व निर्णय सामने आयो कि 3 मे सुधी लॉकडाउन मुजब दुकाने बंद रखा जीवन जरूरी चीज वस्तु की ज दुकाने चालू रखा आ सीवाय अन्य जी कोई दुकाने हे तेने बंद रखा निर्णय करो व्यापारी मंडले छोटाउदेपुर में 3 मे सुधी लॉकडाउन मुजब दुकाने बंद रखाशे मात्र जीवन जरूरी चीज वस्तु की ज दुकाने खुल से। भावनगर शहर वाघावाड़ी रोड पर काड़ाबीड़ में मोटा भागनी दुकाने पोलिसे तंत्र ने साथ राखी बंद करी व्यापारी पास शॉप एक्ट लाइसेंस न हो व्यापारी ने दुकाने बंद कर शॉप एक्ट लाइसेंस जरूरी हो जारे व्यापारी द्वारा पोताना शॉपना लाइसेंस रिन्यू न करावता दुकाने बंद करी हो व्यापारी ने वहली तके पोताना शॉप लाइसेंस रिन्यू करी ले सरकार की गाइडलाइन पालन करवा ताकीद करवामां आवी व्यापारी नियत फी भरी वहली तके रिन्यू करी ले ते जरूरी छे जेथी तेओ तंत्र ने पण मदद करी शके। तरफ राज्य में कोरोना वायरस कहर सामे सरकार दिवस रात लोग ने सावचेती राखवा माटेनी सूचनाओं आपी रही है। नवसारी में 4 पॉजिटिव आवता तंत्र सतर्क बन्यू सरकार आदेश पगले नगरपालिका विस्तार सहित दुकाने पर सवारे 8 वगे चालू थवानी साथे ज दुकाने बपोर सुधी में दुकानदारों टपोटप बंद करवानी फरज पड़ी थी। राज्य सरकार द्वारा अपायेल शरती छूट ने कारण आवश्यक चीज वस्तुओं सिवायनी मोबाइल रिचार्ज तमज अन्य दुकान दुकानदारों पोताने दुकाने 1 महीना समयगाळा बाद खोली थी परंतु लोकोनो धसारो वधतानी साथे ज सामाजिक अंतरनुं पालन न थवुं तमज सरकारना आदेशोनुं लोको द्वारा पालन न थता छेवटे दुकानदारोए तमे दुकान बंद करवानी फरज पड़ी। हाल में अमारी 150-200 दुकाने छे मोबाइलोनी हवे राज्य सरकारना आदेश थी जे कालनी तारीख थी दुकाने खोलवानो आदेश आप्यो हतो पण ए काले जे अमे दुकाने खोली एमां एटला बधा ग्राहकोनी अवरजवर थई अने बजारमां एटला बधा लोको तूटी पड्या हता अने ए लोकोए सोशल डिस्टन्सिंग नथी जाळव्युं। हवे वात करीशुं गामડાના લોકડાઉનની। राज्य में जरूरी चीज वस्तुओं की दुकाने खुली राखवा सरकारे मंजूरी आपी है तरह केटलीक जगह व्यापारी ने लोग सोशल डिस्टन्स भंग कर रहा है तो बीजी बाजू अरवली गामडाओ में आवश्यक सेवाओं सिवाय दुकाने 3 मे सुधी बंद राखवा निर्णय कर अरवली जिला 500 गामडाओ ने स्वैच्छिक रीते दुकाने बंद राखवा निर्णय लीधो। News 18 गुजराती मोड़सा बामणवाड़ा और जीवनपुर गामों की मुलाकात ली थी जमा करियाणा सिवाय तमाम दुकाने बंद जवा मिली। अमरा गामना सरपंच सारी एवं रीते गामनी फरज बजावे छे के सर्व पड़े सवार थी ते बपोर सुधी दुकाने बंद रहे अने गामनो 24 कलाक हेराफेरी करी अने गामना लोकोने कोई भी जातनी तकलीफ ना पड़े एवुं आयोजन करे। बामणवाड़ा में बधी पब्लिकनी मेच्योरिटी प्रमाण 3 मे सुधी बधु लॉकडाउन पालन करवा माटे पब्लिक जागृत छे अने अमे युवानो संगठन थई जानकारी आपीए छीए अने 3 तारीख सुधी संपूर्ण पालन करवानी बाहेधरी आपी छे। आपने जणावी दीए कि अरवली जिला गामडाओमांथी अत्यार सुधी 18 कोरोना पॉजिटिव केस नोंधाया छे। 16 एप्रिल थी 20 एप्रिल सुधी में जिला बहार थी आवेला लोको में कोरोना पॉजिटिव आया था। हाल में गामडाओ में स्वयंभू बंद की स्थिति जोवा मळी छे। तमामे फरजियात नियमों पालन करवानुं रहेशे जो कोईपण व्यापारी के बहार थी आवता लोको नियमनुं उल्लंघन करशे तो दंडात्मक कार्यवाही थशे। અમારા ગામના સર્વ યુવાન મિત્રો ભેગા મળીને 3 તારીખ સુધી કોઈ પણ દુકાન ખોલવા ઈચ્છતા નથી। સવારે 8 થી 12 સુધી દુકાનો ખોલે છે, બપોર પછી બંધ રાખે છે, સંપૂર્ણ પોતે પાલન કરે છે। પંચાયતથી પણ કહેવામાં આવ્યું કે તમે 7ની દુકાનો ખોલો પણ એ લોકો સ્વેચ્છાએ બંધ રાખે છે અને ગામમાં 2 વાર દવાનો પણ છંટકાવ કર્યો છે તથા આયુર્વેદિક હોમિયોપેથિક દવા પણ ગામ તે તરફથી વિનામૂલ્યે આપવામાં આવી છે।
અને હવે સીધા જઈશું દિલ્હી કે જ્યાં સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયના અધિકારી તેઓ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે. એક સુરક્ષા ઢાલ બનકર હર આપદા કે સામને ખડે હો જાતે હૈ યે શૂરવીર કોવિડ 19 કે ખિલાફ જંગ મે ભી અપની જાન કી બાઝી લગા કર ભી અપના કર્તવ્ય પાલન કર રહે હૈ ચાહે ક્વોરન્ટાઇન સેન્ટર્સ કે આસપાસ સુરક્ષા કે ચાક ચોબંદ ઇંતજામ હો યા લોકડાઉન કા પૂરી મુસ્તૈદી કે સાથ પાલન કરાના હો अपना हर फर्ज पूरी शिद्दत के साथ ये कर्मवीर निभा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक आह्वान पर सुरक्षा कर्मी, पुलिस के जवान, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान राष्ट्र सेवा में जुट गए. कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क की जरूरत हर जगह पड़ रही है. ये जन सेवक न केवल खुद मास्क मुहैया करा रहे हैं बल्कि कई जगह तो खुद पुलिस कर्मी इन्हें बना रहे हैं. न केवल जरूरी चीजें मुहैया कराने में और सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद बनाने में इन पुलिसकर्मियों और जवानों ने मिसाल पेश की है बल्कि उससे भी एक कदम आगे जाकर कई पुलिसकर्मी इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं. फिर वो चाहे लॉकडाउन में किसी मासूम बच्चे के लिए जन्मदिन पर शुभकामना संदेश भेजना हो या फिर गीत गाकर लोगों की हौसला अफजाई करनी हो. इंदौर के पास राव में 13 साल की स्नेहा अपने जन्मदिन पर अकेला महसूस कर रही थी. स्नेहा ने पुलिस कंट्रोल रूम फोन किया. इसकी जानकारी फ्लैग मार्च कर रहे 10 जवानों को लगी तो वे उसका जन्मदिन मनाने के लिए उसके घर ही पहुंच गए. उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उसके साथ केक काटा और स्नेहा को शुभकामना संदेश भी दिए. हमेशा मैं अपना बर्थडे मेरे घर परिवार के साथ बनाती हूँ तो मैंने एक बार राव थाने पुलिस को फोन किया और वो मेरे एक बार बुलाने पे यहाँ आए और मेरा जन्मदिन उन्होंने बहुत यादगार बनाया. इसलिए मैं जोशी बोधु के लग समाचार है कि ब्रेक बाद.